वहीं बीजेपी और आप में जुबानी जंग लगातार चल रही है। आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर एमसीडी की जमीन बेचने का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। एमसीडी चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। आपने बीजेपी एमसीडी के कामों पर उठाए सवाल। दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर एमसीडी की जमीन बेचने का लगाया आरोप। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ बीजेपी एमसीडी में बेहतर काम करने का दावा कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी अपने आरोपों की बौछार कर रही है। गंदगी, कर्मचारियों का वेतन, नौकरी पक्की को लेकर घेर रही है। वहीं आज आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर एमसीडी की जमीन बेचने के आरोप लगाए। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज है। हमने आपको बताया कि किस तरह से, कौन कौन तरीके से इन्होंने समय समय पर हर डिपार्टमेंट में, हर प्रोजेक्ट में पैसे खाए, उसका करप्शन किया, और उसका एक तरीके से रिजल्ट ये हुआ कि आज पूरी दिल्ली गंदी है। आज पूरी दिल्ली के कोने कोने में, किसी भी गली में आप जाएं, आपको वहाँ सिर्फ और सिर्फ गंदगी मिलेगी, कूड़े मिलेंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली कि पिछले 5 महीने 6 महीने से ये एमसीडी की ज़मीनें बेचने लगे हैं, क्योंकि अब एमसीडी पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है, तो जो एमसीडी की ज़मीनें हैं वो बेचना शुरू कर दिया इन्होंने। हमने आपको बताया, कई समय हमने आपको बताया कि करोल बाग की ज़मीन हो या जितनी भी ऐतिहासिक ज़मीनें रही हैं उसको बेचने का काम इन्होंने शुरू किया। वहीं दुर्गेश पाठक ने अधिकारियों से विनती की कि बीजेपी के भ्रष्टाचार में साथ न दें। इस बार बीजेपी का एमसीडी से जाना तय। इसी तरह से मुझे पता चला है कि अगले 10-12 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये स्कूल और ये मनोरंजन, जो बुजुर्गों का मनोरंजन केंद्र है, ये दोनों चीज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद या उनके रिश्तेदार या भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको खरीदने की कोशिश में हैं। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है, और मैं एक ही चीज, जो अधिकारीगण है, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप इनका सपोर्ट ना करें। मुझे पता है आपके ऊपर बड़ा दबाव है, आप नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मानवता के नाते, दिल्ली वालों के नाते, दिल्ली वालों ने आपको इतना कुछ दिया है, इनके भ्रष्टाचार में आप साथ ना दें। ये 10-15 दिन के और मेहमान हैं, इसके बाद इन सबको जेल में जाना है, इन सबकी जमीनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इन सबके खिलाफ जाँच करेंगे। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि एमसीडी से बीजेपी का जाना तय है, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि बीजेपी ने निगम में काफी काम किया है। ये तो एमसीडी चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि इस बार एमसीडी की कमान किसके हाथों में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीम। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।